तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहलगाम से लेकर रामबन और लाहौल स्पीति तक बर्फ की चांदी जैसी चादर ने हर किसी को अपने आगोश में ले लिया है। कहते हैं दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। यही वजह है कि भारत के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने सैलानियों को अपने यहाँ आने और मस्ती करने पर मजबूर कर दिया है। जब वादियों में बहार लौट आती है तो नज़ारा कुछ इस कदर रोमांच से भर जाता है। ये जन्नत की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। सीजन में हुई बर्फबारी से श्रीनगर, पहलगाम समेत कई इलाके गुलजार हो उठे हैं। जहां तक नजर जाए वहां बर्फ ही बर्फ। गुलमर्ग, श्रीनगर के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि ऐसी खूबसूरती दुनिया में और कहीं नहीं है। श्रीनगर के मैदानी इलाकों में 4 इंच तक बर्फबारी होने से घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सकते हैं इस वक्त भी श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इससे जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तकरीबन सभी इलाकों में आज सुबह से ही बिजली गुल है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें भी डिस्टरबेंस है, सड़कों पे काफी बर्फ जम गई है जिससे रोड जो है वो स्लिपरी हो गए हैं। हालांकि पर्यटक के हिसाब से देखें तो विंटर टूरिज्म के लिए ये नई रूह फूंकने वाली बात है, क्योंकि काफी लोग जो है वो कश्मीर की बर्फ देखने के लिए आकर्षित होते हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद पारा लुढ़का तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड ठंड के आक्रोश में सिमट गई। पिछले एक हफ्ते से घाटी में हुई लगातार बर्फबारी और सड़क पर बिछी 4 इंच मोटी चादर से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग के साथ मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही थोड़े समय के लिए ठप सी पड़ गई है, जिसे देखते हुए रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर घूमने आए सैलानी भारी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग जन्नत की सैर करने यहाँ पहुँच रहे हैं वो दूसरों को भी कश्मीर आने की सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है यहाँ का, स्विट्जरलैंड व्हीकल देखा, बहुत बहुत ही अच्छा, ऐसा नज़ारा हम कभी नहीं देखा और इसके बाद भी कभी देखने को मिलेगा नहीं, मालूम इतना ही मालूम हमें, लेकिन बहुत अच्छा है। बेताब वैली भी अच्छा है, चंदन वैली भी अच्छा है और मैं पूरे इंडिया के लोगों को अपील करता हूं कि वो भी आए और अपना स्विट्जरलैंड देखें, इंडिया का स्विट्जरलैंड देखें। बात उन तस्वीरों की जिसने हिमाचल और उत्तराखंड को भी अपने आगोश में ले लिया है। आसमान से गिरती सफेद आफत ने इन दो राज्यों पर भी जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। यहाँ पिछले एक हफ्ते से गिर रही बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों की छतें, पहाड़, मैदान सब बर्फ से सफेद हो गए हैं। रोहतांग दर्रे पर भी 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। यहाँ हुई भारी बर्फबारी ने कोहराम मचा दिया है। बर्फ की सफेद चादर से पूरी केदार घाटी ढक सी गई है। पूरा का पूरा शहर बर्फ से सफेद हो चुका है। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। और इस वक्त